गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राजेश कुमार केसरी, आई एम हिंदी टीचर फ्रॉम अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फिफ्थ में पार्ट एक, हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूं मैं। इसका पहला पार्ट है फुहारों वाली बारिश। फुहारों वाली बारिश का अर्थ होता है रिमझिम बारिश, ठीक है, रिमझिम बारिश, ठीक है, रिमझिम बारिश। देखिए, जैसे फुहारों वाली बारिश होने से क्या होता है, मानव धरती पर्यावरण पशु पक्षी पेड़ पौधे के लिए फायदेमंद होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। फुहारों वाली बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन को बहुत प्रफुल्लित कर देता है वो फुहारों वाली बारिश, जिसको फुई बारिश कहते हैं। अब देखिए, इनके जो कवि हैं, इस कविता के जो कवि हैं, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या मैंने कहे हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने बादलों के बारे में, जैसे हम लोग आकाश में घूमड़ घूमड़ कर बादल आते हैं और उनमें कई आकृतियां बन जाती है, कभी उन्हीं का वर्णन करते हुए इस पाठ का नाम रखे फुहारों वाली बारिश, ठीक है। अच्छा, कभी इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं। मैंने कभी कहते हैं कि हाथी, यहाँ पर हाथी का बोध किससे किया गया है, बादलों से किया गया है, ठीक है। जब हम बरसात के दिनों में देखते हैं आकाश में, जब बहुत सारे कई आकृतियाँ वाले क्या होते हैं, बादल घूमते रहते हैं, है ना, घूमते रहते हैं। तो कभी कहते हैं, जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं, जाने किधर से चुपचाप सामने हाथी आकर बैठ गए हैं। कभी कहते हैं वो आकाश में जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे आकाश में जो बादल है वो किसके, हाथी के आकार का जो बादल है वो क्या हो जाएगा, सामने आकर आकाश में बैठ गए हैं, ठीक है। अच्छा, बैठ गए हैं और लेट गए, उन्हें ऐसा लग रहा प्रतीत हो रहा बादल को देख कर, कभी को बादल, ठीक है। अच्छा, पहाड़ों जैसे अति विशाल आयतनों वाले 5-7 हाथी सामने बिल्कुल निकट जग गए हैं। कभी कहते हैं कि जो 5-7 जो हाथी है जो सामने पहाड़ों जैसे विशाल बहुत बड़े आयतनों वाले, मतलब क्या होता है, बहुत बड़े आकार वाले जो बादल हैं, जो हाथी के समान दिखने में लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सामने बिल्कुल निकट जग गए हैं। जग गए मतलब क्या हो गया, वो आकाश में विचरण कर रहे हैं। जब हवा बहती है तो क्या होता है, उसी रूप में वो विचरण करते हैं, मैंने वो चलते हैं, है ना, बादल घूमते रहते हैं सामने, ठीक है। इनका परिमंडल हमें बार बार ललचाता रहेगा, छेड़ने के लिए सदैव बुलावा देता रहेगा, लो ये ग्री कुंजर और भी विशाल होने लगे। कभी इस पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनका परिमंडल मतलब ये क्या हो जाएगा, जो बादलों का जो आवरण है वो क्या कर रहे हैं, बार बार ललचाता रहेगा छेड़ने को। वो बादल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, फिर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, कभी एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं, वो मने बहते ही रहते हैं अपने, ठीक है। अच्छा, सदैव बुलाता देता रहेगा, लो ये गिरी कुंजर। तो कभी कहते हैं कि ये जो बादल जो अपने घूमड़ घूमड़ कर जो आसमान में जो कई आकृतियां बनाकर एक दूसरे से कभी वो सामने आते, कभी मिलते हैं, कभी वो बिछड़ जाते हैं, इस तरह के आकृतियां को, मतलब इस तरह के उन्होंने क्या होता है, जो दृश्य देखने के लिए, वो कभी कहते हैं कि हमें बार बार हमें बुलाता रहेगा, क्योंकि कभी को ये दृश्य देख कर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, ये दृश्य बहुत ही मनोरम लगती है उसे। लो ये गिरी कुंजर और भी विशाल होने लगे, गिरी का मतलब हो गया पहाड़, और कुंजर का मतलब क्या हो गया, कुंजर का मतलब हो गया हाथी। कभी कहते हैं कि लो ये जो गिरी कुंजर, गिरी का मतलब क्या हो जाएगा, गिरी का मतलब हो गया पहाड़, ठीक है, गिरी का मतलब पहाड़, और कुंजर मतलब हाथी। कभी कहते हैं कि लो ये गिरी कुंजर और भी विशाल होने लगे, कभी कहते हैं ये जो बादल है वो एक साथ मिलकर क्या होते हैं, बहुत बने पहाड़ और हाथियों के आकार के होने लगे, और बहुत विशाल पर देखने में क्या हो गया, बहुत विशाल, बहुत बड़े लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लो ये दूर हट गए, लो ये और भी पास आ रहे हैं, लो इनका लीलाधारी रूप और भी फैलता जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये गुमसुम क्यों है,
कभी कहते हैं तो बादल देते हैं, अरे इतना जो विशाल जो है जो जो किसके आकृति में, पहाड़ के आकृति में जो बादल है, जो हाथी की आकृति में जो बादल हैं बादलों, वो क्या कर रहे हैं लोग, ये कभी सामने आ जाते हैं, कभी दूर हट जाते हैं, ये और भी पास आ गए, कभी एकदम निकट आ जाते हैं, और ये विशाल रूप धारण जो बादल रूपी का रूप विशाल धारण कर लेते हैं, ठीक है, और ये फैलता जा रहा है। जब कई आकृतियों के बादल जब आ जाते हैं, सामने मिल जाते हैं, तो एक विशाल क्या होता है, अपने एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कभी कहते हैं कि लेकिन ये गुमसुम क्यों है, ये कहते हैं ये गुमसुम क्यों है, क्योंकि जब बादल गुमसुम होते हैं तो सभी जो धरती को जो जीव जंतु होते हैं सभी क्या करते हैं, आशा करते हैं कि ये बादल कब बरसे, है ना, कब बरसे, जिससे जो हमारे जो पशु पक्षी प्राणी जो हमारे वनस्पति होते हैं उनको क्या मिलता है, जीवन प्रदान होता है, मतलब उनसे वो मतलब सुख महसूस करते हैं, ठीक है, पानी पड़ने से। अच्छा, अरे इन्होंने तो ढक लिया अपने आप को हल्की पारदर्शी चादरों से, जीने जीने लूज, जीनी जीनी लूज बनावटी वो मटमैली ओढ़नी, बादलों को ढक लेगी अभी ये फुहारों वाली बारिश। अब कभी कहते हैं कि लो ये तो बादल पूरी तरह से मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से घिर गए हैं, बहुत विशाल प्रतीत हो रहे हैं, है ना, कई आकृतियों के बादल एक साथ मिलते क्या होते हैं, बहुत विशाल रूपी क्या होता है, बादल बन जाते हैं, एकदम चारों तरफ काला हो जाते हैं, कुछ बादल सफ़ेद होते हैं, कुछ बादल लोग क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है, काले काले बादल क्या हो गया, ये देखो पूरे मतलब आसमान को ढक चुका है, ठीक है, झीनी झीनी बनावटी बादलों को ढक लेगी फुहारों वाली बारिश। अब कभी कहते हैं कि देखो ये जो पारसी जो ये जो बादलों क्या होता है, जो बादलों की जो फुहारों वाली बारिश है वो क्या कर लेगी, इस बादलों को क्या कर लेगी, वो ढक लेगी, अपने फुहारों वाली बारिश जो रिमझिम बारिश होती है वो बादलों कारण को क्या कर लेगी, वो ढक लेगी, ठीक है, फुहारों वाली बारिश। अच्छा, बादलों को बड़ी बड़ी बूंदें तो कल शायद